यूं तो स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, जहां शिक्षक रूपी भगवान इस शिक्षा के मंदिर में आने वाले छात्र छात्राओं को शिक्षा देते हुए उन्हें सभ्य बनाते हुए उनके आने वाले कल को संवारते हैं। लेकिन जब इसी शिक्षा के मंदिर में फीस न जमा करने के चलते छात्राओं के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाए तो आप क्या कहेंगे। एक ऐसा ही सनसनीखेज मामला सामने आया है मेरठ में, जहां स्कूल के फीस न जमा करने पर स्कूल की छात्राओं के साथ स्कूल प्रबंधक ने मानवीय हद को पार करते हुए उन्होंने न सिर्फ धूप में खड़ा रखा बल्कि बैठने के नाम पर छात्राओं को जमीन पर बैठा दिया, और जब छात्राओं ने बाथरूम का इस्तेमाल करने के लिए कहा तो उसके लिए भी साफ तौर पर मना कर दिया। स्कूल गई तो इनको स्कूल जाने के बाद ही प्रिंसिपल ने फीस के लिए मैदान में धूप में खड़ा किया, और करीब एक घंटा 20-30 मिनट तक ये बच्चे खड़े रहे, बता रहे हैं फर्स्ट सेकंड पीरियड के लिए खड़े रहे हैं। छोटी बच्ची की हालत बहुत ख़राब थी क्योंकि उसको फास्ट था कल, सुबह खा के नहीं गई तो उसको चक्कर आने लगा। इसी बीच उसको वॉशरूम जाना था तो वो वॉशरूम जाने लगी, उसको वॉशरूम तक नहीं जाने दिया, सर ने धमका के पीछे खड़ा कर दिया कि नहीं कोई नहीं जाएगा, पीछे खड़ा हो जाओ। उसके बाद बच्चियों ने कोऑर्डिनेटर मैम से बोला कि मैम हमको वॉशरूम तो जाने दो कम से कम, तो उन्होंने फिर बच्ची को वॉशरूम जाने दिया। इस बीच उसकी तबीयत खराब हो गई, बड़ी वाली गुड़िया ने जबरदस्ती बिना परमिशन के रिसेप्शन से जाके कॉल किया मेरे को 10 बजे के आसपास कि मम्मा हम लोगों को ऐसे खड़ा करा हुआ है और हमारी बहुत तबीयत खराब है, आप आ जाओ। मैंने कहा ठीक है। मैंने वहाँ ना जाके सीधा सर को फ़ोन किया क्योंकि डीएम सर से मैं रिक्वेस्ट करने आई थी कि कुछ कंसेशन या कुछ फीस, क्योंकि मेरी स्थिति ठीक नहीं है। वो बोले ठीक है हम बात करते हैं। डीएम सर ने तुरंत ही मेरे बच्चों के लिए एक्शन लिया, वहाँ पर जिसको भी भेजा, जिसको भी कॉल किया, तुरंत ही बच्चों को 20 मिनट के अंदर क्लास में भेज दिया गया। मैं स्कूल पहुँचती हूँ तो प्रिंसिपल ने सीधा अभद्र व्यवहार करा, तेज आवाज़ में मुझसे बात करी और बोले कि हम लोगों ने खड़ा नहीं किया। हम आपको बता दें कि धूप में खड़ा कर दिए जाने के बाद एक छात्रा की हालत बिगड़ गई। छोटी बहन की हालत बिगड़ने पर छात्रा ने अपनी माँ को स्कूल से फोन कर जानकारी दी, जिसके बाद छात्राओं की माँ ने स्कूल पहुंचकर आला अधिकारियों को घटना की जानकारी दी। दरअसल मेरठ कैंट क्षेत्र के तोपखाना मोहल्ला निवासी स्वर्णिमा कक्षा 10 और नंदिनी कक्षा 7 की छात्रा है, जो मेरठ के ऋषभ अकेडमी में पढ़ती है। बताया गया है कि उनके पिता विशाल शर्मा की कुछ साल पहले मौत हो गई थी, जिसके चलते उनकी माँ ही उनकी जिम्मेदारी संभालती हैं। वहीं शिकायत मिलने के बाद जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया है कि अगर स्कूल प्रबंधन दोषी पाया गया तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं स्कूल गई थी तो फर्स्ट पीरियड के बाद उन्होंने सेकंड बेल लगते ही हमें नीचे बुला लिया और बोले कि लाइन लगा के नीचे खड़े हो जाओ। उन्होंने हमें ये भी नहीं बताया कि क्यों खड़ा कर रखा है, खड़े खड़े हमें 1.5 घंटे हो गए। मेरी छोटी सिस्टर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और बिगड़ने लगी तबीयत। फिर रिसेप्शन से मैंने ज़बरदस्ती अपनी मम्मा को कॉल करा कि मेरी सिस्टर की ठीक नहीं है तबीयत, आप आ जाइए, और इन्होंने हमें इतनी देर से खड़ा कर रखा है। मेरी सिस्टर को वॉशरूम जाना था, उसे वॉशरूम भी नहीं जाने दिया। फिर हमने अपनी कोऑर्डिनेट मैम से बोला कि मैम हमें वॉशरूम जाना है और सर जाने नहीं दे रहे हैं, तो मैम ने बोला कि सर ही ने वॉशरूम तो जाने दीजिए, इतना गंदा बिहेवियर करा उन्होंने हमारे साथ। तो हमने बोला सर हम थक रहे हैं खड़े खड़े, तो कहते हैं कि मिट्टी में बैठ जाओ, यहीं बैठना है तुम्हें लास्ट फिर तक। फिर डीएम अंकल को मम्मा ने फ़ोन करा, जब ही तो DISO सर का फ़ोन गया होगा स्कूल में, उन्होंने तुरंत ही हमें क्लास में भेज दिया फिर 1 घंटे 30 मिनट के बाद। आपको क्यों खड़ा करा था? मेरी मम्मा हमारी अप्रैल से और अब जुलाई तक की फीस सबमिट नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे पापा नहीं है, इसलिए हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। नहीं देखिए, शैली शर्मा जी हैं, इन्होंने एक दरख्वास्त दी है कि इनके जो बच्चियां पढ़ती हैं ऋषभ अकेडमी में उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, और ये शायद इन्होंने फीस जमा नहीं करवाई थी, जिसका कारण ये बता रहे हैं कि वहाँ के मैनेजमेंट ने बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार किया, और कल जब प्रशासन को कॉल किया उसके बाद बच्चियों को स्कूल में अंदर या क्लास के अंदर जाने दिया। तो उन्होंने अपनी एप्लीकेशन दी है, हमने जो कंसर्न मजिस्ट्रेट हैं और वहाँ के CO हैं उनको ये जाँच दे दी है, और बोला गया कि अगर इसमें जाँच करके जो भी नियमानुसार कार्रवाई है उसको करें, तो विदिन 24 आवर्स का टाइम दिया है कि खुद मजिस्ट्रेट जाके देख लें, और अगर उसमें कहीं भी इनकी जो भी एप्लीकेशन में जो तथ्य हैं सही पाए जाते हैं तो फिर अकेडमी के खिलाफ कार्रवाई भी हो। छात्र छात्राओं से फीस लेने के लिए स्कूल प्रबंधन किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। वहीं अब देखना है कि लिखित शिकायत मिलने के बाद पुलिस प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।